Today's topic is lens, spherical lens. So what is lens? A. Transparent material bound by two surfaces, of which one or two surfaces are spherical is called lens. Spherical lens. So what is lens? A transparent material bound by two surfaces of which one or two surfaces are spherical is called lens of spherical lens. The two surface lens kaisi ki do surface ho gayi. For example this, ye surface bhi spherical hai, ye surface bhi spherical hai. Like this, ये भी spherical है, ये भी spherical है. अब हम इसको देखेंगे, ये spherical है और ये plane है. ये spherical है, this side and this is plane. तो what is this? You know, आपको पता है इसको क्या कहते हैं? Biconvex lens, biconcave. क्योंकि both sides are the concave, both sides are the convex, bulging, दोनों sides पे bulging है, outwards, ये inner side, and this is called plano convex, and this is plano concave, एक side इसकी concave है, और one side इसकी plane है. तो you can say कि what is lens? A transparent refracting medium, right? What is transparent? मतलब transparent जिसमें light अंदर को जा सके. Refracting means light bend हो सके. और medium, कोई भी medium जैसे glass का बना है या polymer का बना है, किस type की material का बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा, राइट? अब मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस. लेंस कैसे है? इसके बीच में मीडियम है, मटीरियल, और दोनों साइड इसकी बल्जिंग है. तो दिस इज बाई कॉन्वेक्स, और इसे कॉन्वेक्स भी कहते हैं. वन नेम और है इसका, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. व्हाट इज दिस कन्वर्जिंग लेंस? मींस रेस को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे मिलाता है, सारी रेस एक पॉइंट पर आने की ट्राई करती हैं. दिस इज कन्वर्जिंग. डाइवर्जेंस मींस सब अलग अलग हो जाती हैं, फैलती हैं रेस. अगर आसान शब्दों में कहें तो रेस का फैलना डाइवर्जेंस या डाइवर्जिंग, ये डाइवर्जिंग हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, और रेस का आपस में मिलना कन्वर्जिंग कहलाता है. तो दिस इज बाई कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर. ध्यान से देखें तो इसका बीच में ये मोटा होता है और साइड से ये पतला होता है. देखिए साइड से पतला है और बीच में से ये मोटा है. ये पहचान होती है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की. कॉनकेव का देखेंगे तो ये साइड से मोटा है और बीच में पतला है. तो कॉन्वेक्स मिरर कौन से, कॉन्वेक्स लेंस कौन से हो गए? जो साइड में पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं. अब इसकी बेसिक टर्म्स करेंगे जो लेंस में यूज होती है. कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर.
ऑप्टिकल सेंटर। अब ये देखिए ध्यान से, तो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है और ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, तो इनका भी सेंटर होगा स्फीयर का और इधर भी सेंटर होगा ही, सी टू एंड दिस इज सी वन। तो व्हाट इज दिस सी टू एंड सी वन? सी टू एंड सी वन आर क्या कहलाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑप्टिकल सेंटर और सी टू सी वन से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मेन प्रिंसिपल एक्सिस, कौन राइट? अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत हैं कॉन्वेक्स लेंस के, ये ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधे चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन। यहां से पास हो रही है तब भी ऐसे, तो ऑप्टिकल रे सेंटर से पास होगी कोई भी रे तो वो सीधे निकल जाएगी, तो मतलब क्या हो जाती है? अनडेविएटेड रहती है, अनडेविएटेड। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे पास होगी तो क्या होगी? वो अनडेविएटेड होगी। दूसरी चीज है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से यहां पर आके कन्वर्ज होती है, यहां पर आके गिरती है, तो दिस इज कॉल्ड द फोकस। जिस पॉइंट पर आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली रे, जिस पॉइंट पर आके मिलती है उसे फोकस कहते हैं। द मेन फोकस और F2, दिस इज F2, मेन फोकस, फोकस टू, यही मेन फोकस है इसका। कोई भी पैरेलल रे होगी आकर F2 पे गिरेगी, चाहे यहां से देख लें ये पैरेलल रे रहे, दिस इज कॉल्ड द फोकस। तो टू पॉइंट्स क्या हो गए? फर्स्ट, ऑप्टिक सेंटर से अगर कोई रे क्रॉस हो रही है तो सीधे क्रॉस होगी, अनडेविएटेड रहेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे जा रही है तो वो एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाएगी, जिसको हम फोकस कहते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये F2, और इसके ही डबल डिस्टेंस का 2F2 लेते हैं। यहां सेम डिस्टेंस पर F1 होगा, दो फोकस होंगे, और एक इसकी डिस्टेंस का 2F1। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कोई अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कहां पे बनेगी उसकी इमेज? फोकस पे। अब बियॉन्ड 2F1 है, सपोज यहां पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दिया हमने A, B, तो किसी भी इमेज बनाने के लिए हमको टू रे लेना पड़ता है, टू रे लेनी पड़ेंगी। एक तो हम पैरेलल लेंगे, वो कहां पे जाएंगी? फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। कहां ये मिल रही है? दिस पॉइंट पे मिल रही है। कैसी बन रही है? ये बी डैश और ये ए डैश। तो इमेज कैसी बन रही है इसमें? रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। और साइज कैसा है? रिड्यूस्ड। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहां पर है?
2F1 पर। अगर इसको सही से बराबर से डिस्टेंस लेकर करेंगे तो एग्जैक्ट इमेज बनेगी। मैं तो यहाँ पर रफली ले रही हूँ, तो आप 2-2 सेंटीमीटर का ले सकते हैं डिस्टेंस में, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी। तो अब सबसे पहले पैरेलल रेज जाएंगी कहाँ पर, फोकस पे। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहाँ बन रही है, F2 पर। इमेज कहाँ बन रही है, F2 पर बन रही है, 2F2 पे बन रही है सॉरी। और कैसी बन रही है, सेम साइज की, जो साइज है सेम साइज की बन रही है। बाकी कैसी बनी, रियल बनी एंड इन्वर्टेड बनी। अब ऑब्जेक्ट का है बिटवीन F1 एंड 2F1 पर। पैरेलल रेज, ऑप्टिकल सेंटर, कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड 2F2। मैं यहां पे रफली ले रही हूं, आप वहां पे एग्जैक्ट मेजरमेंट से करेंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन पे ही बनेगी। साइज कैसा है, यह ए थोड़ा बढ़ गया है, इनलार्ज्ड हो गई इमेज। जैसे जैसे हम मिरर लेंस के क्लोज जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी इमेज भी बढ़ती चली जा रही है, इनलार्ज्ड हो गई है। कैसी पर, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अब कहां पर है, F1 पर है। F2 से क्रॉस होगी, दूसरा ऑप्टिकल रेज। अब ये 2 रेज कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल रेज कहां मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी पे। साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड। बट बनेगी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट का है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब क्या हो रहा है, अब जो लेंस है ध्यान से देखिए, पैरेलल नहीं जाएंगी, ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही हैं, तब इन्हें कहीं ना कहीं तो मिलना पड़ेगा। तो कहां मिलेंगे, अगर हमने पीछे बैक साइड जाएंगे, मैं ऐसे ही रफली बना रही हूं, अगर इसे ड्रॉ करेंगे बैक साइड तो यहां बनेगी इमेज। ये ऑब्जेक्ट हमारा AB है। अब इमेज कहां बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। बनी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो इरेक्ट बनेगी हमेशा, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी। और साइज कैसा है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा है, सारी साइज की इमेज बना रहा है, रिड्यूस्ड भी है, हाईली रिड्यूस्ड भी है, सेम साइज की भी है, इनलार्ज्ड भी है और हाईली इनलार्ज्ड भी है। मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड है, ओनली वन केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके, कॉनकेव लेंस, पहले भी बताया था कॉनकेव लेंस कैसे हैं, बीच में पतले हैं और साइड्स पे मोटे हैं, थिक होते हैं, साइड से ये थिक है, बीच में पतले होते हैं।
सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये F2, 2F2, दिस इज F1 एंड 2F1। ये इसको हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो निकलने वाली रेज होती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, ये फैलाता है रेज को, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, इससे पैरेलल आने वाली रेज क्या होंगी? डाइवर्ट होंगी। तो क्या होंगी? कहीं तो पीछे मिलेंगी, ये कहां मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी, दिस इज फोकस। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तब देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती। वन पैरेलल रेस जाएंगी, डाइवर्स हो जाएंगी और ये F1 पे आके मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से निकलेंगी, तो यहां कहीं इमेज बनेगी। ये अगर AB है तो इमेज भी AB ही बन रही है। तो इमेज कहां बन रही है इसमें? दोनों केस में सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही है? कैसी बन रही है? रिड्यूस्ड बन रही है साइज में। और है कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा। दिस इज द कॉनकेव लेंस। अब साइन कन्वेंशन देखेंगे। कॉनवेक्स लेंस की अगर बात करें तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर में भी थी और कॉनवेक्स लेंस में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस की बात करें तो चाहे वो कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, निगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों की फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सारी डिस्टेंस जो है ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है। अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस जो है वो निगेटिव रहती है। ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे अगर इमेज बनी है तो उसको हम निगेटिव साइन डिनोट करते हैं। सिमिलरली दिस साइड निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा हाइट, और इस साइड में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/V - 1/U = 1/F। मैग्निफिकेशन ये क्या होता है? m = H - H - V/U। मैग्निफिकेशन हम तब यूज करते हैं पोजीशन और इमेज की टाइप बताने के लिए कि वो कितनी मैग्नीफाइड हुई, मतलब वो साइज में कैसी है, उस ऑब्जेक्ट की डबल है कि हाफ है और रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। तो फॉर लेंस, सॉरी दिस इज
नो माइनस वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच एंड वी अपॉन यू. माइनस कहाँ यूज करते हैं, मिरर में यूज करते हैं. देन यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है फॉर मिरर. फॉर लेंस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, और मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू. वॉट इज द पॉवर ऑफ, नेक्स्ट इज द पॉवर ऑफ लेंस. तो पॉवर ऑफ लेंस क्या है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड बाई द लेटर पी, जिसे क्या कहते हैं पॉवर ऑफ लेंस. दिस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ. जितनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतनी ही पावर कम होगी. दिस इज पी, एंड इसको हम डिनोट करते हैं डॉपलर में. अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं. ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस वी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, एंड फाइंड द मैग्निफिकेशन और कैन से द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस. कैसी इमेज है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. अब हमारा क्या लेंस है, कॉनकेव लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगी. देन हमें क्या दे रखा है, इट फॉर्म द इमेज एट 10 सेंटीमीटर, तो हमें वी दे रखा है. वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है. तो कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज उसी साइड पे बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है. तो हम इसकी इमेज कैसी होगी, माइनस 10 सेंटीमीटर. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. माइनस 10 यू हमें निकालना है. एट वॉट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट द लेंस वी प्लेस्ड, 1 अपॉन माइनस 15. एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम, माइनस का 3 और प्लस का 2, 1 अपॉन यू. तो यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30. तो u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर. पता हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, u इज माइनस 30 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन निकालेंगे, m v अपॉन u, v माइनस 10, u माइनस 30 इज 1/3. दैट मीन्स एंड द पॉजिटिव आयर, इसका मतलब इमेज इज 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, छोटी बनी है, रिड्यूस साइज बनी है. पॉजिटिव साइंस इंडिकेट क्या कर रहा है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. Draw the ray diagram and find the position and size and nature of the image. तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, converging lens means कैसा lens है ये, convex lens की बात कर रहे हैं यहां पर. हमें height of object पता है, क्या है 5 सेंटीमीटर, fine. हमें 25 u पता है, कितना है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज निगेटिव आता है जो कि. एंड फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर.
अब सबसे पहले इसका रे डायग्राम बनाएंगे रफली. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, एफ टू, एफ वन, और कोई ऑब्जेक्ट है ए बी. तो सबसे पहले पैरेलल रेज जाएंगी कहां पर, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर पे से यहां कहीं इमेज बनेगी, कैसी, बी डैश ए डैश. दिस इज द रे डायग्राम. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो वी कितना है हमें निकालना है, यू कितना है माइनस के 25, फोकल है 10, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन 10 ये प्लस हो जाएगा हेयर आके, फिर से ये माइनस हो गया. एलसीएम लेंगे 55 माइनस 2 3 अपॉन 50, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 3 अपॉन 50, तो वी इज इक्वल टू 50 अपॉन 3, तो दिस इज 16.7 सेंटीमीटर. अब क्या निकालेंगे, v अपॉन u, h, तो हमें h डैश निकालना है, h हमें 5 दे रखा है, v 16.7 एंड u माइनस u माइनस 25, 3 जा एंड दिस इज अगेन 3.3, तो h डैश आ गया हमारा 3.3 सेंटीमीटर एंड माइनस. तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज हमारी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड. साइज कैसा है, रिड्यूस्ड, पहले 5 की थी अब कैसी होगी 3.3, रिड्यूस्ड हो गई. ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी साइज जो है वो रिड्यूस हो गई है और रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, बट बनी कहां है हमारी, अब दूसरी अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड नहीं, नेक्स्ट साइड बनी है इस साइड. तो इसलिए v डिस्टेंस पॉजिटिव आई. दिस इज ऑल कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर एंड द न्यूमेरिकल्स जो मैंने बेसिक थे एनसीईआरटी के, उसमें आपको समझा दिए. थैंक यू.